गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेन रूप से कंपनी के पास, कंपनी के फॉर्मेशन करते समय तीन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक MOA होता है, एक AOA होता है और एक प्रॉस्पेक्टस होता है। MOA मींस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है प्रॉस्पेक्टस। तो इस तरह कंपनी का जब भी फॉर्मेशन होगा तो ये तीन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जिनको जिनके बिना कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, कंपनी का जो है इनकॉर्पोरेशन नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये तीन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आइए एक एक करके इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। आज मैं केवल आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे हम कंपनी का चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, जिसे हम कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं। चार्टर मींस होता है चार्टर ऑफ द कंपनी का मतलब इट्स डिफाइन द ऑल रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑब्जेक्टिव्स पावर्स एंड एक्सेप्ट्रा स्कोप ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट्रा ऑल आर द थिंग्स आर इंक्लूड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट और प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इट्स डिफाइन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये कंपनी की पावर और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी डिफाइन करता है, बताता है कि कंपनी के क्या क्या पावर्स होंगी, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्कोप ऑफ द कंपनी के बारे में, स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी के बारे में भी बताएगा कि कंपनी का हमारा स्कोप क्या होगा, कहाँ तक कंपनी जाएगी। कुल मिला के इन सारी बातों की ये सारी डिटेल्स आर इंक्लूड ऑन इन दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर हाँ कोई बात इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गलती से लिख जाती है तो उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए जो है कंपनी एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से बाउंड्री वॉल होती है, ये आपके किसकी, कंपनी की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो है कंपनी के समामेलन के लिए बहुत जरूरी है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जब होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख है। तो अब हम एक एक करके इसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड की जाती हैं उन्हें पढ़ते हैं। कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट शामिल किए जाते हैं। नेम क्लाउज है सबसे पहले, नेम क्लाउज में आता है दिस क्लाउज कंटेंट्स द नेम ऑफ द कंपनी, द प्रपोज्ड नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकेटर्स सिमिलर टू द नेम ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। नाम वाक्य के लिए भी जो है जो नेम क्लाउज है
उसके लिए भी कंपनी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। कोई भी कंपनी अपना कोई भी नाम रख सकती है, कंपनी इसके लिए स्वतंत्र है। कंपनी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अपना कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होगी तो वो किसी नाम से होगी और वो अपना कोई भी नाम रख सकती है। लेकिन इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या नाम तो रखने के लिए स्वतंत्र है कंपनी, लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? जैसे कंपनी कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकती जिस नाम से पहले कोई कंपनी चल रही हो। अगर पहले कोई कंपनी किसी नाम से चल रही है तो हम वो वाला नाम या उससे मिलता जुलता कोई नाम नहीं रख सकते। हम कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 20 के अनुसार किसी भी कंपनी की रजिस्ट्री केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या कोई गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है उसके नाम पर भी अपना नाम नहीं रख सकती। जैसे कि कोई कंपनी अपनी कंपनी का नाम स्टेट गवर्नमेंट, जैसा पीवीसी लिमिटेड, पीवीसी स्टेट गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं लिख सकती। ठीक है, तो इस तरीके का नाम जिससे कि कस्टमर अगर सोचे या कंज्यूमर्स अगर सोचे कि जो है अरे इसके नाम के साथ तो स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी होगी, तो ये गलत होगा। तो कोई ऐसा भी नाम नहीं रख सकती जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो है किसी अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे नगर पालिका, महापालिका, ये इस टाइप के भी नाम जो है नहीं रख सकती। तो ये जो है कंपनी एक्ट के आधार पर जो है ये कंपनी एक्ट 2013 में ये स्पष्ट है कि ऐसे नाम को जो है कंपनी नहीं रख सकती है। अब एक और एक्ट है, एक एक्ट और है 1950। इस अधिनियम के अधीन कोई भी कंपनी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमति के बिना अपने नाम के साथ कोई एम्परर शब्द यूज नहीं कर सकती। ठीक है, ना कोई एम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। तो ये है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्ब्लेम एंड नेम, प्रिवेंशन ऑफ एम्परर यूज एक्ट 1950 के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी बनाने जा रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, वो एम्परर शब्द यूज नहीं कर सकता, एम्प्रेस यूज नहीं कर सकता, इम्पीरियल शब्द यूज नहीं कर सकता, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट आदि नामों का प्रयोग नहीं कर सकता, ना ही वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चिन्ह का या उनके चिन्हों का भी जो है प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके के नाम को वो जो है यूज नहीं कर सकता। अगली बात ये है कि अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसे अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द, वो नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसको लिमिटेड शब्द यूज करना होगा। तो लिमिटेड अथवा यूज ऑफ द वर्ड ऑफ लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड किसको? जो प्राइवेट कंपनी है, और जो पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, उसे लिमिटेड शब्द यूज करना जरूरी है। तो ये सारी बातें जो है नेम क्लाउज के अंतर्गत आती हैं।
नेक्स्ट है सिचुएशन क्लाउज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लाउज है। सिचुएशन क्लाउज, द दिस क्लाउज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। इसका मतलब यह है, ये कंपनी जो बनाने जा रहे हैं हम, कंपनी का जो हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, वो कंपनी कहाँ फॉर्मेट होगी, उसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ होगा। तो अमूमन जिस राज्य में कंपनी हम जो है फॉर्मेट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं, तो सिचुएशन क्लाउज के आधार पर ही हम इसके न्याय क्षेत्र को, डोमिसाइल्स को, उसकी राष्ट्रीयता का निर्धारण करते हैं। तो सिचुएशन क्लाउज के द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि कंपनी भारतीय कंपनी है अथवा विदेशी कंपनी है। ये सारी बातें जो है सिचुएशन क्लाउज के अंतर्गत आती हैं। साधारणतः कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन के समय जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो उसमें हमें ये स्पष्ट करना पड़ता है कि उसका रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता देना पड़ता है। मतलब उसमें पूरा जो जहाँ हमें कार्यालय बनाना है अपना कंपनी का, उसका पूरा पता दे दिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जा सकता, अगर मान लो ऐसा नहीं किया है, तो समामेलन की तिथि यानी इनकॉर्पोरेशन की तिथि अथवा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी जिस डेट को हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो तिथि के 30 दिन के अंदर अंदर हमें इसकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय को देनी होगी कि हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारा कार्यालय कहाँ है, उसका पता पूरा अवश्य भेजना होगा। रजिस्टर्ड कार्यालय कंपनी का ऐसा स्थान होता है जहाँ बैठकर के सारी कंपनी के गतिविधियाँ चलती हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होता है वो हमारा ऑफिस से होता है, जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उस कार्यालय में रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ वहीं होंगी, कार्यालय में होंगी। तो इन सभी चीज़ों का कार्यालय में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि पत्र व्यवहार करें, हम कोई कम्युनिकेशन करें, तो कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। तो ये सिचुएशन क्लाउज है। सिचुएशन क्लाउज में इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्लाउज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और द वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये इन दोनों नाम, नेम क्लाउज एंड सिचुएशन क्लाउज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कंपनी के जो पावर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में लिखा होता है। कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट कंपनी जो है कोई जो है कि कोई ऐसा मेडिसिन का बिजनेस करती है, सपोज दैट, तो मेडिसिन का बिजनेस करती है, तो मेडिसिन का बिजनेस करने के लिए, मेडिसिन उसको रखने के लिए जो है उसकी पैकिंग करने के लिए पैकिंग का भी सिस्टम होता है। तो क्या कंपनी मेडिसिन ही बनाएगी या उससे रिलेटेड जो उसके सब जो हैं या ऑक्सिलरी जो पार्ट हैं उनको भी बनाएगी। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये दोनों स्पष्ट रूप से होने चाहिए। अगर मान लो मेडिसिन बनाने का है तो केवल मेडिसिन ही बनाएगी, उसके ऑक्सिलरी जो सहायक चीज होंगी उनका प्रोडक्शन वो नहीं कर सकती। अगर उसमें लिखा है, दोनों ही लिखे हैं, तो वो उसका भी प्रोडक्शन कर सकती है। तो कुल मिला के मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट क्या है,
या सब ऑब्जेक्ट क्या है उसका, ये सारी बातें हमें ऑब्जेक्टिव्स क्लाउज में दिखानी होंगी। तो इस क्लाउज का जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो सारी कंपनी की बातें जो है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएंगी। तो ये क्लाउज अधिकारों को भी परिभाषित करता है और उसकी सीमाओं को, उसकी लिमिटेशंस को भी बताता है। वैधानिक दृष्टि से कंपनी अपने जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए व्यवसाय के अतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं कर सकती। जो उसने लिख के दे दिया वही बिजनेस कर सकती है, अन्य उससे रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकती। तो इसके मेन ऑब्जेक्ट इसमें कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो कंपनी को काम करना है उसको लिखा जाता है, जिनको प्राप्त करने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक एवं संबद्ध एवं संयोगिक है उसको भी उसमें जो है स्पष्ट लिखना चाहिए। ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये उद्देश्य जिनकी प्राप्ति करने के लिए आवश्यकता होने पर कार्य कर सकती है कंपनी, यानी इनकी अगर आवश्यकता हुई कंपनी ने महसूस की तो वो इस काम को भी कर सकती है, यद्यपि इनको जो है जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके साथ नहीं लिखा गया है। ऐसी कंपनी के संबंध में जो व्यापारिक कंपनियां नहीं हैं, जिनका कार्यक्षेत्र एक राज्य तक सीमित नहीं है, उन सभी राज्यों को के नाम भी देना आवश्यक है जिनमें वे अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करेगी। अगर मान लो कंपनी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी काम करती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करती है, तो दोनों स्टेट के आरओसी का की परमिशन लेना जरूरी है, दोनों स्टेट के आरओसी के उसमें साइन होने जरूरी है, जो रजिस्ट्रार है वहाँ के उसके साइन होना जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लाउज है हमारा। तो ऑब्जेक्ट क्लाउज में ये सारी बातें, मेन ऑब्जेक्ट, तो दिस क्लाउज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स विद विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, जहाँ कंपनी फॉर्म्ड हो रही है, अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटिटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन दैट स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्टिव क्लाउज। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव क्लाउज में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्लाउज। दिस क्लाउज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाई देम। इस क्लाउज में क्या होता है, लाइबिलिटी, मेंबर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, जो हमारे कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या क्या लाइबिलिटी होगी, किस लाइबिलिटी, लिमिटेड बाई द शेयर होगी या लिमिटेड बाई द गारंटी होगी। लिमिटेड बाई द शेयर का मतलब क्या है, सपोज दैट एक शेयर होल्डर ने कंपनी के 100 शेयर लिए, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये का एक शेयर है, 100 शेयर लिए तो 1000 रुपये हुई उसकी लाइबिलिटी। तो लिमिटेड बाई शेयर का मतलब कंपनी उससे 1000 रुपये तक ही लेने के लिए बाध्य है, यानी इससे ज़्यादा पैसा वो उससे नहीं ले सकती, 1000 से ऊपर एक रुपया भी जो है कंपनी उससे वसूल नहीं कर सकती। तो ये लिमिटेड बाई द शेयर है। लिमिटेड बाई द गारंटी, सपोज दैट किसी शेयर होल्डर ने 5000 रुपये की गारंटी दी है, तो कंपनी केवल 5000 रुपये तक ही उससे ले सकती है, 5000 रुपये से ऊपर वो कंपनी उस पर क्लेम नहीं कर सकती है। ये नहीं कह सकती कि 5000 रुपये से ऊपर आप 10000 रुपये दे दो। यानी सपोज दैट किसी कंपनी की लाइबिलिटी एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के समापन के समय उसकी लाइबिलिटी 10000 रुपये है, और एक शेयर होल्डर जो है उसका उसने जो गारंटी दी है कंपनी को वो 5000 रुपये तक दी है, तो वो केवल कंपनी उससे 5000 ही वसूल कर सकती है, बाकी के 5000 रुपये कंपनी को अपने पास से ही देने होंगे। ऐसे ही सपोज दैट अगर लिमिटेड बाई शेयर है, गारंटी लिमिटेड बाई वो सॉरी
लाइबिलिटी लिमिटेड बाई द शेयर, शेयर की लिमिट तक है। अगर मान लो एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर, 1,000 रुपये के शेयर लिए, तो कंपनी केवल 1,000 रुपये तक ही उससे वसूल कर सकती है, इससे ऊपर उससे वसूल नहीं कर सकती। यानी कि 9,000 रुपये इस कंडीशन में उस कंपनी को अपने पास से देने होंगे। तो ये सारी लाइबिलिटी लिमिटेड बाई द शेयर, लिमिटेड बाई द गारंटी, इट इज इंक्लूड इन द लाइबिलिटी क्लाउज। अब इसके बाद में आता है लास्ट कैपिटल क्लाउज। कैपिटल क्लाउज, दिस क्लाउज स्पेसिफाइड द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज टू रजिस्टर ऑफ द इशू ऑफ द शेयर कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। इसमें कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, यानी एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी इज स्टार्ट विद द कैपिटल, दिस कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कंपनी जिस कैपिटल के साथ इनकॉर्पोरेट हो रही है, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन के समय जितनी कैपिटल लगाई जा रही है, इन्वेस्ट की जा रही है बिजनेस में, इट इज नोन एज द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये कैपिटल क्लाउज है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में जाना। आइए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, है मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी का, मेन डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट के बिना कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपनी का चार्टर होता है। चार्टर का मतलब एक नियम, कानून, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, कंडीशंस, दीज आर ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल रहती हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे नेम क्लाउज, सिचुएशन क्लाउज, ऑब्जेक्टिव क्लाउज, लाइबिलिटी क्लाउज एंड द कैपिटल क्लाउज। नेम क्लाउज में हम कंपनी का नाम, कंपनी अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, कोई भी नाम कंपनी रख सकती है, लेकिन कोई ऐसा नाम नहीं रख सकती जिस नाम से पहले से कोई कंपनी चल रही है। किसी राजा, रानी, एम्परर, एम्प्लॉय, स्टेट, या जो ऐसे भी नाम कंपनी यूज नहीं कर सकती है। किसी गवर्नमेंट के नाम पर भी कंपनी अपना नाम नहीं रख सकती है। सिचुएशन क्लाउज, इसमें कंपनी का कार्यालय कहाँ होगा, कंपनी का न्याय क्षेत्र कौन सा होगा, जिस साधारणतः न्याय क्षेत्र वही होता है जिस राज्य में कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन करा रही है, ठीक है, ये है। अगला है ऑब्जेक्टिव क्लाउज, इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव और द ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो ये सारी बातें, मेन ऑब्जेक्ट और स्कोप ऑफ द कंपनी, सारी बातें जो है लिख करके इसमें देनी होती हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लाउज हो गया। लाइबिलिटी क्लाउज, कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड बाई द शेयर होगी या लिमिटेड बाई द गारंटी होगी। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ द कंपनी में बताया था, एक लिमिटेड बाई द गारंटी कंपनी होती है, एक लिमिटेड बाई द शेयर होती है। तो लिमिटेड बाई द शेयर में जितने शेयर शेयर होल्डर ने लिए हैं उसकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी, शेयर तक ही सीमित होगी, जितने रुपए के शेयर उसने ले रखे होंगे। यदि किसी शेयर होल्डर ने गारंटी दी है तो जितनी गारंटी दी होगी उतनी गारंटी तक ही जो है वो पैसा देने के लिए बाध्य होगा, गारंटी से अधिक नहीं। कैपिटल क्लाउज में कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी होगी, अनइशूड कितनी होगी, सब्सक्राइब कितनी हुई है, 90% सब्सक्राइब हुई भी है या नहीं हुई है, आदि सारी बातों का उल्लेख
जो है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आज हमने पढ़ा, तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही।